मैं हूं आपके साथ निकिता और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। खबर धनौरा से है, जहां मारका शराब के साथ दो तस्कर हुए गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक अमरोहा के निर्देशानुसार क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में धनौरा क्षेत्राधिकारी मोनिका यादव के कुशल निर्देशन में रात मुखबिर की सूचना पर रजबपुर पुलिस ने फयाज नगर चौराहे पर चेकिंग के दौरान एक डस्टर गाड़ी को रोका तो उसमें बैठे तीन युवक प्रवेश त्यागी पुत्र प्रवीण त्यागी निवास रोजा याकूबपुर जनपद गौतम बुद्ध नगर यादराम पुत्र इंद्र सैनी निवासी ग्राम रामपुर थाना रजबपुर जनपद अमरोहा जितेंद्र पुत्र रामलाल सैनी निवासी लकड़ा चौराहा थाना अमरोहा से उन्होंने भागने की कोशिश की जिसमें जितेंद्र पुत्र रामलाल सैनी भागने में कामयाब हो गया। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से 30 पेटी देसी शराब बिना मार्का, 2 पेटी ऑफिसर ब्रायन ब्लू बरामद की। शराब की कीमत लगभग 1,10,400 बताई जा रही है। दोनों का संबंधित धाराओं में चलान कर जेल भेज दिया है। फरार मुजरिम की तलाश की जा रही है। प्राइम न्यूज 24 से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। ये कल शाम चेकिंग के दौरान रजबपुर थाना पुलिस द्वारा एक बड़ा सराहनीय काम किया गया है। चेकिंग के दौरान इनको एक डस्टर गाड़ी में लगभग 32 पेटी शराब मिली है। इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और एक अभी फरार है। अच्छा जी, ये कहाँ से गिरफ्तार किए गए? ये फयाज नगर चौराहे पे चेकिंग हो रही थी, वहीं से इनको गिरफ्तार किया। अच्छा, इन्हें कभी पहले भी करा इन्होंने ये काम? कुछ इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, उसको अभी हम देख रहे हैं और केस को और डेवलप कर रहे हैं। एक मुलजिम इसमें फरार भी है, अभी उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा जल्दी।